राधे 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 गोविंदा तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज आ चुका हूँ मैं, अभी बरसाना में हूँ और इससे पहले मैं गया था वृंदावन, वहाँ पे बाके बिहारी का मंदिर और निधिवन गए थे और उसके बाद हम आए हैं बरसाना। बरसाना का टाइमिंग थोड़ा नहीं पता था तो टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, बट अभी इस व्लॉग में बहुत कुछ आज देखने को मिलेगा आपको। बाके बिहारी के मंदिर गए थे, वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी यार, सैटरडे संडे तो भीड़ काफ़ी होती है। फिर उसके बाद हम गए थे निधिवन, वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था, पर वहाँ यार ये है बंदरों से बच के रहना यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाली है, वृंदावन का खाना, यहाँ के मंदिर, बरसाना। तो जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। क्यों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, और अब की बार लेकर चलता हूँ आपको कृष्ण नगरी में। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। और हाँ, मिस ना करना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और ये प्लान बनता है रात को 12 बजे, मेरे को पता चलता है रात को 12 बजे कि कल सुबह 4 बजे तो निकलना है। तो मैं भी फटाफट पैकिंग करके और सो जाता हूँ और सुबह जल्दी से निकल जाते हैं हम वृंदावन के लिए। सुबह जल्दी निकले थे तो कुछ नहीं खाया था, वैसे तो सब सामान लेके आए थे खाने पीने का, बट फिर भी बाहर निकले हैं तो कुछ तो बाहर का भी होना चाहिए। तो हम रुक जाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, वो भी तो घूमने थे, उनमें भी तो टाइम लगना था। तो चलो फिर चलते हैं, क्योंकि प्लान आज बहुत सारे थे हमारे। हाँ भाई, पहली बार आया तू? नहीं गाइस, मैं यहाँ पे 5वीं या 6ठी बार आया हूँ। मैं कह बार लेते, मेरा भी है। कितनी बार? आशा चंपर गला लिया, रुआ लिया, बस यही तो सुनना था। चाचा जी जान, चाचा को पता है ब्रो, फोकस फोकस किया जाए इस बंदे पे, इस इंसान को बस खाना दिखा दो। यस गाइस, मैं तो बस खाना दिखा दो, इसी के लिए तो आया हूँ मैं मेन। यहाँ की कचौड़ियाँ पेल ले। मम्मी ने मन्नत मांगी हुई थी तो वो कंप्लीट करने जा रहे हैं आज हम। उनकी मन्नत कंप्लीट हो गई, अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। और अच्छा लगा यहाँ पे आने, पहली बार आई है ना? हाँ पहली बार आई। इनसे बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे ना। बंदर है क्या? ये कैमरा है, झंडा है, ये झंडा। चलो हमारा भी फोटो आ गया, ले लो, आइए भेड़े लो भाई, आ जाओ यहाँ पे ना। बंदरों का ध्यान रखना, बंदर आ गया मंदिर। हाँ यहाँ पे ना बंदरों का ध्यान रखना भाई, सामान ले जाते हैं और यहाँ पे आपको मिठाई वगैरह मिल जाएगी सारी। तो बाहर देखने से ही पता चल जाता है कि अंदर कितनी भीड़ होने वाली थी, तो हम भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और चलते हैं अपने बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और अंदर जाते ही वो नज़ारा देख के तो बस मन से एक ही आवाज़ आई कि मैं अब तक क्यों नहीं आया था यहाँ पे। दर्शन करके हम निकल जाते हैं वृंदावन की कचौरी और लस्सी का मज़ा लेने के लिए। मंदिर से निकल के या वृंदावन की गलियों से होते हुए निकलोगे तो वहीं पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कचौरी और लस्सी दोनों मिल जाएंगी। मेरे को यहाँ पे ना वो पत्ते वाली कचौरी होती है ना, वो खानी है, वो कहाँ मिलेगी वो देखना पड़ेगा। बाके बिहारी मंदिर जाते हैं ना, तो यहीं पे यही रास्ता जाता है, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे ही रिक्शा वगैरह आपको छोड़ देंगे। उसके बाद रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, सामान रास्ते में प्रसाद वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। और अभी हम जा रहे हैं, भीड़ आप लोगों ने देखी है, भीड़ क्या है। इधर आ, अब तो आ जा, अब तो आ जा, पकड़ लिया, इसको ले चलो भाई। आप बता क्या कह रहा था, क्या दिला दो, क्या दिला दो, वो कहाँ गए अभी, पैसे दिए थे वो कहाँ गए, क्या क्या ले लो, दूध की थैली, क्या करूँ उसका, दुकान वाला है, सेल्समैन है, छोटे छोटे सेल्समैन,
अब बताओ हमें कि निधिवन में क्या क्या है। अब निधिवन में तुलसी के पेड़ है बहुत बड़े बड़े। ओके, सुना है कि वो रात को गोपियां बन जाते हैं और कृष्ण जी उनके साथ डांस करते हैं। वो निधिवन है या प्रेम मंदिर है? वो ना प्रेम मंदिर दूसरा है और निधिवन दूसरा है। ओके, प्रेम मंदिर भी रात को बंद हो जाता है ना? नहीं, वो 8:30 तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ओके, तो वो निधिवन है। मैं आज तक प्रेम मंदिर सोच रहा था कि वो प्रेम मंदिर है। चलो, कुछ और सीखने को मिला। लिरिक्स कहाँ है? कौन से गाने के? गाना थोड़ी ना गा रहा था जो अभी आप करते आ रहे हो। लिरिक्स यार लेट कर आ रही है मम्मी। यार हर शॉप पे रुक रही है, कुछ ना कुछ लेना इनको। क्या लेना अब? लड्डू गोपाल की मच्छरदानी लेनी है हमारी। अच्छा, मच्छर काट रहे हैं हमारे लिए है। हमारे लिए है। हाँ, आपके लिए भी रखी है घर में। बहुत सारी। और हाँ, यहाँ के बंदरों से थोड़ा बच कर रहना, वो आपका सामान ले जाएंगे और बदले में फिर आपसे चीज़ों की डिमांड करेंगे। उनको फिर बदले में चीज़ें दो और फिर वो आपका सामान वापस करेंगे। कृष्ण जी नटखट थे तो उनके ये लाडले भी तो यहाँ पे नटखट ही मिलेंगे आपको। भाई साहब, सर एक बंदर तो हम साथ लेके आए हैं अपने। और इसके बाद जाते हैं हम निधिवन। और भाई यहाँ तो अपनी चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, तो अपने फ़ोन प्रसाद वगैरह थोड़ा ध्यान ही रखना उनका। और यहाँ पर बताया जाता है कि शाम होने के बाद किसी का भी आना अलाउड नहीं है, क्योंकि माना जाता है रात को कृष्ण जी यहाँ आके अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। और ये भी बताया जाता है जो भी रात को छुपकर यहाँ पे रुकता है या देखने की ट्राई करता है, या तो उसकी आँखें चली जाती है या वो इंसान मरा हुआ मिलता है। तो आप ऐसा ट्राई कभी मत करना। तो निधिवन में जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचते हैं हमें देखने को मिलता है यहाँ सब डांस कर रहे होते हैं, तो हम भी पहुँच जाते हैं और सबके साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ के मंदिरों की सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, वो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगी कि यहाँ पे कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो एक बार आना तो बनता है, और एक बार आओगे तो याद रखना मेरी बात, यहीं के होके रह जाओगे, क्योंकि हमारे बाके बिहारी जी है ही इतने प्यारे कि जो एक बार देख ले तो बस उन्हीं का हो जाता है। निधिवन से होके अभी हम आए थे जमुना जी के घाट पे। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे गोपियाँ स्नान करती थी, और स्नान करने के बाद जब कृष्ण जी इधर आते थे तो उनके वस्त्र चुरा के, जो उधर आपको दिख रहा होगा वो पेड़, तो वहाँ पे जाके छिप जाते थे। वृंदावन की भी अपनी कहानियाँ हैं। सो अभी बरसाना जाने से पहले मैं आया था यहाँ पे, मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने यहाँ पे ना अपना होटल ओपन किया है, तो किसी को भी यहाँ पे वृंदावन में किसी को भी यहाँ पे होटल लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। नाम वगैरह सब मैं मेंशन कर दूँगा, डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में होंगी। बाकी मैं आपको होटल वगैरह भी दिखा देता हूँ, रूम्स वगैरह दिखा देता हूँ इसके। मज़ा बांध दिया अंकल जी आपने तो, हमारा तो सब सेट है भाई, हमें तो अब टेंशन है नहीं वृंदावन आके कोई भी। तो अभी जा रहे हैं भाई सीधा बरसाना के लिए निकलेंगे। बाकी बिल्कुल पास में मल्टी लेवल पार्किंग के बिल्कुल पास में ये होटल है, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं सब कुछ डाल दूँगा, तो जो भी प्लान बना रहो तो आ जाना यहाँ पे, मैं करना एंजॉय बढ़िया। तो चले बरसाना चलते हैं। और यहाँ से हम निकलते हैं बरसाना, जो कि राधा रानी जी का गाँव भी बोला जाता है। और गाइस हमें मिले हैं यहाँ पे सरसों के खेत। ओहो, यहाँ पे अभी मैं और मम्मी फोटो सेशन करेंगे अपना। फोटो की जाओगी मम्मी? हाँ जी हाँ जी, चलो जी चलो जी। तो भाई हम बरसाने की गलियों में फांटते हुए गेड़ी मारते हुए बरसाने की गलियों में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे यार हर जगह ना एक अलग ही वाइब है, मतलब मन कर रहा है कि यहाँ पे रुके थोड़ा सा, इस चीज़ को और एक्सप्लोर करें, पर मेरे पास टाइम कम है यार। बरसाना का जो मंदिर है वहाँ पे मेरे को अभी पता चला है कि वहाँ पे ना स्टेयर्स चढ़ के जानी पड़ेंगी हमें, कुछ 140-150 आई थिंक जो बताया गया है मेरे को कि हाँ 140-150 है। मम्मी तो कह रही है मैं नहीं चढ़ूँगी अगर 140-150 हुई तो, बाकी देखते हैं कितनी होंगी। स्कैम हो गया गाइस हमारे साथ, मंदिर बंद है। चोट दूँ कीर्तन हो रहे हो? चलो एक बार
अभी पता चला मंदिर बंद हो गया है और 4:30 बजे खुलेगा और अभी बजे 2:30, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे क्या करेंगे 2 घंटे। वो आया ना, तू कह रहा था ना मैं आया हूँ सबसे ज़्यादा, मैं तो आया हूँ, तो तेरे को टाइमिंग नहीं पता यहाँ की? हाँ क्या यार ये लड़ते हुए आ रहे हैं। जय बाबा की। यार देख मारा फौजी घुटने टेक गया। जय बाबा की। राधा रानी का मंदिर। जय राधा। राधा राधा रानी का मंदिर है। मैं थकता नहीं हूँ। चलो वाजी चलो चलो चलो। अरे चलो अभी तो थोड़े से चलते हैं। फाइनली फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं। अभी हम बरसाना जिसको बोला जाता है कि राधा जी का जन्म स्थान है ये, बट राधा जी का जन्म स्थान ये नहीं है। राधा जी का जो जन्म स्थान है वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल नाम से है। लोग बोलते हैं कि मथुरा जैसे कृष्ण जी का जन्म स्थान है और बरसाना राधा जी का, बट राधा जी का ये नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल में है जिसको राधा जी का जन्म स्थान बोला जाता है। अभी वापस नीचे जा रहे हैं हम, क्योंकि दर्शन तो हमारे हो नहीं पाए, दर्शन नहीं हो पाए गाइस हमारे। गाइस पापड़ खा लो, पापड़ खा लो गाइस, पापड़ खा लो भाई। दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने बताया कि मंदिर जो खुलेगा वो 5 बजे खुलेगा, तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं, हम लेट हो जाते क्योंकि अभी भी 2 घंटे के अराउंड टाइम बचा हुआ था। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ेदार था यार आज का दिन, काफ़ी सारी जगह घूमे, सारी नई थी मेरे लिए जहाँ भी गया था। तो ये वाला व्लॉग ख़त्म करते हैं। और यार वीडियो पे ना कमेंट किया करो यार, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है सब कुछ करके बताया करो यार, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो जितना हो सके कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में।